तो प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होगा, जहां कुंडा व बाबागंज विधानसभा में मतदान 20 मई को किया जाएगा, वहीं रामपुर खास विश्वनाथगंज सदर रानीगंज व पट्टी विधानसभा में मतदान 25 मई को होगा। डीएम संजीव रंजन व एसपी सतपाल ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आचार संहिता लग गई है, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा और गड़बड़ी करने वालों से बालों पे सख्ती से निपटा जाएगा। संगठन भी हो गया, वहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो गई है। और देखिए, आज जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है और आदर्श आचार संहिता इन्फोर्स हुई है, इसमें हमारे सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी और सभी दूसरे विभागों से अधिकारी इसके अनुपालन हेतु सड़कों पर हैं और इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ हमने की हैं और जितने भी सेंटर्स हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है, जितने भी फोर्स के आने के रुकने के स्थान हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है, जितने इस प्रकार के असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं जो सभा क्षेत्र आते हैं, एक प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से और दूसरा कौसाम्बी आंशिक रूप से, दोनों अलग अलग पेज में है। कौसाम्बी में है जो कि जो पंचम पेज है और इसमें जो आपका है वो छठे पेज में, दोनों की तिथि अलग अलग है और उसके हिसाब से तैयारियाँ हम लोगों ने कराई है। टोटल 26 से 20 बूथों पर हमारी तैयारियाँ हैं, इसके हम लोगों ने एवीएफ की तैयारी सब तैयार करा लिया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्रिटिकलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी और सबूत और क्या सेंसिटिवनेस है।